मैं विश करने आया हूँ कैलाश को। ये इनकी पहली पिक्चर है और इसमें लीड हैं। ये मेरे स्टूडेंट रहे हैं और बहुत होनहार स्टूडेंट रहे हैं, इसलिए मैं आया हूँ इनको देखने किस तरह का काम इन्होंने किया है और इनको विश करने की बहुत आगे जाएं, बहुत तरक्की। वो तो इनको बताना चाहिए क्या क्या मैंने खास सिखाया। बताओ क्या खास सिखाया जी। एक ऐसी बात थी कि सर हमें एक टेप रिकॉर्डर लेने के लिए कह रहे थे, तब मोबाइल ज़्यादा नहीं थे, तो वो टेप रिकॉर्डर लेके हम बाज़ार में जाएँ और किसी भी इंसान की आवाज़ से उसमें रिकॉर्ड करें और उस आवाज़ की हूबहू नकल हम आके करें। सर पहले वो आवाज़ सुनते थे और बाद में हमारी आवाज़ को हम कैसे मैच करते हैं, वो कैरेक्टर कैसे हम समझ लेते हैं, तो सर हमें ये तो कोशिश ये थी कि आम जिंदगी में इंसान कैसे बोलता है, किस तरह से एक्सप्रेस करता है, कितनी इमोशंस एक थोड़े से टाइम में, मतलब जैसे अगर चार सेंटेंस बोले हैं तो चार सेंटेंसेस में अलग अलग इमोशंस में कैसे आम इंसान बोलता है, क्या क्या एक्सप्रेस करता है, कितनी वेरिएशंस के साथ बोलता है, कितने कलर्स, अगर एक पांच सेंटेंस का अगर एक स्पीच है तो पांच सेंटेंसेस में ही कितने वेरिएशंस वो देता है। ये सब सिखाने के उद्देश्य से जो एक एक्सरसाइज है मेरी वो मैंने करवाई थी इनको, उसका जिक्र कर रहे हैं। सर फिल्म का ट्रेलर जब आपने पहली बार देखा तब आपका क्या रिएक्शन था कि आपका जो शागिर्द है इतना अच्छा एक्टिंग कर रहा है? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे मतलब दिल ही खुशी हुई कि इन्होंने इतनी मेहनत करके ये मुकाम हासिल कर लिया है और इतने अच्छे ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत लोगों को पछाड़ा होगा तब इनको ये लीड रोल मिला होगा। हाँ, तो इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत दाद देता हूँ, बहुत बहुत शाबाशी देता हूँ। नहीं सर ने जो भी अभी मेरी आने वाली है दशहरा, काफ़ी अच्छी दिलचस्प फिल्म है। नील नितिन मुकेश उसमें हीरो है, मैं विलन हूँ। ये बिहार के बैकड्रॉप पर है ये पिक्चर। बिहार में जिस तरह से पॉलिटिशियंस ने बिहार को चूसा है, उसमें बहुत सारे लालू प्रसाद यादव हुए हैं और बहुत सारे जो मैं लालू प्रसाद यादव जैसा एक कैरेक्टर कर रहा हूँ, हंगामा खेज है ये कैरेक्टर, बहुत मज़ा आएगा सबको। लोग आपको कहाँ पे? हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मराठी सिनेमा मेरा बहुत ही फेवरेट सिनेमा है क्योंकि हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि आज जो सबसे अच्छी फिल्में बन रही है वो मराठी में बन रही है और पांडुरंग मेरे मित्र है, उषा मेरी मित्र है, तो मेरे लिए घर की फिल्म है। एंड ये एक मिट्टी से जुड़ी हुई फिल्म है, माटी से जुड़ी हुई फिल्म है, इसमें मिट्टी की महक है और एक सत्य घटना पर एक फिल्म है, तो मैं इस फिल्म को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ और आई एम श्योर कि मराठी की एक बहुत ही यादगार फिल्म बन जाएगी और इस फिल्म को देखने के लिए मैं बहुत बेताब हूँ। इस फिल्म के मैंने गाने सुने हैं, मैंने म्यूज़िक सुना है, मुझे लगता है कि इसमें अगेन एक मराठी कल्चर की एक खुशबू है एंड दिस इज़ अ वंडरफुल फिल्म एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज़ इस फिल्म को देखिए और इसको एनकरेज कीजिए। जी जी, बहुत अच्छी बात है। मैं इसके लिए महाराष्ट्र के की गवर्नमेंट को भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोत्साहन दिया है। मराठी कलाकार इतने अच्छे हैं कि जो अलग अलग कहानियों में फिल्म बनाते हैं, जो फिल्में हम हिंदी में सोच भी नहीं सकते और हम बना नहीं सकते, उतनी बारीकी से लोग मराठी में फिल्म बना रहे हैं। और अभी मैंने किला देखी और बाकी बहुत सारी फिल्में, और वो फिल्में देख के बहुत ही ईर्ष्या होती है कि हम ऐसी फिल्में क्यों नहीं बना पाते हैं। मराठी सिनेमा आज बहुत ही आगे है और बहुत आगे जाएगा, मुझे लगता है इंटरनेशनल लेवल का मराठी सिनेमा बन रहा है और ये बहुत ही हम सब मुंबई कर के लिए, महाराष्ट्रवासियों के लिए गर्व की बात है। आई एम डूइंग वन फिल्म पटेल की पंजाबी शादी विद ऋषि कपूर, परेश रावल, वीरदास। इट्स अ कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी, फैमिली कॉमेडी है और वो अब दो तीन महीने में जल्द ही रिलीज होगी। बहुत ही मज़ेदार फिल्म है, कौटुंबिक फिल्म है।